अच्छा खाना देखने पर मुंह में पानी क्यों आता है? क्यों एमएस धोनी को एक दिन का सीईओ बनाया गया था? एक ऐसा टीवी जिसमें जो कुछ भी आ रहा है उसे आप टेस्ट कर सकते हो। और क्यों इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने के बाद भूखे पेट सोना पड़ा था? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20। दोस्तों, क्या आपको पता है बेहद ही रेयर एटमॉस्फेरिक कंडीशन टेम्परेचर उसी की वजह से एक ऐसा अनयूजुअल फिनोमिना भी क्रिएट होता है जिसके चलते हुए आसमान में तैरते हुए बादल हमें बादल कम और समुद्री लहरें ज्यादा लगने लगती है। नहीं समझे तो चले मैं आज आपको कुछ रेयर दिखाई देता हूँ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो रेयर फिनोमिना दिख रहा है वही रेयर क्लाउड फिनोमिना है जिसे वेव क्लाउड फिनोमिना के नाम से जाना जाता है। इस होटल को देखो, इसका नाम है प्रिजन होटल। इस होटल में आपको किसी कैदी की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर हर चीज एक जेल की तरह डिजाइन की गई है। यहाँ टेबल और सीट भी बिल्कुल जेल वाली थीम में बनाई गई है। और बस इतना ही नहीं, इसका खाना भी जेल जैसा दिखता है। सिर्फ दिखता है पर खाने में टेस्टी होता है। नंबर 18। अगर आप चाहते हो कोई भी इंसान आपकी बात ध्यान से सुने तो आपको उस बात की शुरुआत में बस ये बोलना है कि मुझे तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा कहोगे तो उस आदमी की दिलचस्पी आपकी बातों में बढ़ जाएगी, क्योंकि वो भी जानना चाहेगा कि क्या ऐसी बात है जो आप उसको नहीं बताना चाह रहे थे। ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 17। उड़ीसा में रहने वाले एक आदमी को बहुत ही ज्यादा जहरीले सांप ने काट लिया। ऐसे केसेस में लोग तुरंत भाग कर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इस आदमी को शायद बदला लेना था तो इसने सांप को रिटर्न काट लिया। और कमाल की बात तो ये है कि सांप मर गया और आदमी जिंदा बच गया। नंबर 16। 2017 में एमएस धोनी को गल्फ ऑफ इंडिया का सीईओ बनाया गया था, बस एक दिन के लिए। दरअसल एमएस धोनी ये बात जानना चाहते थे कि सीईओ का काम कैसा होता है और उसे क्या क्या करना पड़ता है। और फिर एक दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने बताया कि मैं क्रिकेट में ही ठीक हूँ, क्योंकि सीईओ का काम मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। नंबर 15। आप जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते होंगे तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके दिमाग में इंग्लिश काफी अच्छी लग रही होगी, लेकिन वो इंग्लिश जब आप बोलते होंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती होगी। तो ऐसा क्यों? दरअसल हमारे दिमाग को इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंस करना अच्छे से आता है पर हमारी जीभ को इंग्लिश प्रोनाउंस करना सही से नहीं आता, इसीलिए ऐसा होता है। नंबर 14। ये फैक्ट थोड़ा फनी है। एक चोर ने गाड़ी को चुरा लिया, उसके थोड़ी देर बाद वो चोर गाड़ी को वापस लेके आया और जिसकी वो कार थी उसे वो डांटने लगा क्योंकि कार के अंदर एक 4 साल का छोटा सा बच्चा था। चोर ने कहा, आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। सोचिए कितना फनी होगा कि उसे एक चोर ने जो खुद ही गलत है उसने ही उसे डांट दिया। ये दो एक जैसी दिखने वाली लड़कियां आपको दिख रही है, इनकी एक काफी यूनिक स्टोरी है। इनमें से एक का नाम है एनियास और दूसरी का नाम है सेमेंथा, जो कि एक यूट्यूबर है। और एनियास सेमेंथा से यूट्यूब पर मिली थी, पर उसने देखा कि ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती है। फिर इन दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू की और पता चला कि इनकी जन्म की तारीख भी एक ही है। और फिर इन्होंने मिलने का फैसला किया और मिलने के बाद इन्होंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि ये दोनों सगी बहनें हैं, यानी कि जुड़वा बहनें, जो कि बचपन में अलग हो गई थी। और फिर एनियास के माता पिता ने बताया कि एनियास एडॉप्टेड है। नंबर 12। क्या आपने सोचा है कि आपको किस टाइप के आदमी को ट्रस्ट करना चाहिए? साइकोलॉजी के हिसाब से जो लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन जो लोग बहुत तेज बोलते हैं उन लोगों पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हो और अपने सीक्रेट्स को बता सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग आपके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सबके साथ काम करे, लेकिन मेजोरिटी के साथ ऐसा ही होता है। ये कोई फैक्ट तो नहीं पर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। आप जब भी अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए देते हैं तो रिपेयर होने के बाद आपने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन जरूर चेक करना है, कहीं ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल तो नहीं है। इस एप्लीकेशन का नाम है स्पाई वुमन। स्पाई वुमन नाम की इस एप्लीकेशन की मदद से वो आपके मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है, जैसे कि आपकी फोटोज, वीडियोस, यहाँ तक कि आपके बैंक डिटेल्स भी। और इस इंफॉर्मेशन की मदद से वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, इसलिए जब भी आप अपना मोबाइल रिपेयर पे दे तो हमेशा सतर्क रहें और मोबाइल जरूर चेक करें। नंबर 10। आपने सुना होगा कि धरती पर जो पानी है वो धरती से भी ज्यादा पुराना है, पर एक काफी शॉकिंग बात है कि धरती पर जो पानी है
वो खुद सूरज से भी ज्यादा पुराना है और हमें लगता था कि पानी कितना ही ज्यादा पुराना होगा। नंबर 9, क्या आपको पता है कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहले HA-10 सीटर एरोप्लेन को बनाकर तैयार किया गया था, जिसका टेक ऑफ नॉर्मल पोजीशन की जगह कुछ इस तरीके से वर्टिकली कराया जाता था। अमेजिंग बात कुछ ये थी कि दोस्तों ये एयरक्राफ्ट बेहद ही आसान तरीके से किसी भी वेयर कंडीशन में कुछ इस तरीके से वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस टेक ऑफ पे फ्यूल कंज्यूमशन नॉर्मल टेक ऑफ की तुलना में लगभग दोगुना होता था, तो आगे चलकर इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया गया। नंबर 8, आपने मुंबई इंडियंस के लोगों में ये ब्लेड देखा होगा जिसे रेजर कहते हैं, पर आखिर ये रेजर क्यों है? दरअसल मुंबई इंडियंस का पहले नाम मुंबई रेजर होने वाला था, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी ने सजेस्ट किया कि मुंबई रेजर से तो अच्छा नाम मुंबई इंडियंस है, इसलिए यहाँ पर रेजर्स है, जिसे फिर ब्लू ग्रीन व्हाइट और ऑरेंज का कॉम्बो दिया गया ताकि इंडिया और इंडियन टीम की जर्सी का फील आ सके। नंबर 7, साउथ डेकोटा में हर 6 महीने में ये जो आदमी ऐसे 15 लाख रुपए दिए जाते हैं सिर्फ टावर पर चढ़कर बल्ब चेंज करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कितना इजी जॉब है, पर एक बार इस टावर की हाइट तो देख लो, ये बहुत ज्यादा बड़ा टावर है और ये जो बल्ब होता है ये भी छोटा बल्ब नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा बल्ब होता है। इसके चलते ये बहुत रिस्की जॉब है, क्या आप इतने पैसों के लिए अपनी जान खतरे में डालोगे? नंबर 6, अफ्रीका के देश इरिट्रिया में हर आदमी को 2 शादी करना कंपलसरी है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे जेल हो सकती है। दरअसल वहाँ मर्दों और औरतों की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क है, वहाँ वुमेन की पॉपुलेशन मेन की पॉपुलेशन से डबल है और इसीलिए यहाँ हर आदमी को 2 शादी करना पड़ती है। नंबर 5, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है और इसको चारों तरफ से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया गया है ताकि जंगल की आग में ये पेड़ कहीं जल ना जाए, क्योंकि ये पेड़ काफी रेयर है। नंबर 4, नेशनल ज्योग्राफी की माने तो 2050 तक हमारी बॉडी में इतने चेंज आएंगे जितना आपको इस फोटो में दिख रहा है। इन शॉर्ट हमारी स्किन अभी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा डार्क हो जाएगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सन रेज ज्यादा हो रहे हैं और हमारी स्किन टेन हो जाएगी। नंबर 3, इंडिया 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन क्या आप जानते हो उस दिन पूरी इंडिया टीम भूखी रही थी और उन्हें खाना नहीं मिला था। दरअसल जीतने के बाद सब इतना ज्यादा खुश हो गए थे कि उन्होंने काफी लेट तक पार्टी की और पार्टी के चक्कर में वो खाना खाना भूल गए और जब सबको भूख लगी तो सब बाहर जाकर रेस्टोरेंट ढूंढने लगे और देखा कि सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। उसके बाद उन्हें भूखा सोना पड़ा और अगले दिन उन्हें खाना मिला। नंबर 2, दोस्तों आपने बहुत से फायर ट्रक्स तो जरूर देखे होंगे जिनकी टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा एडवांस बनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए इसी चीज को अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा चुका है? असल में दोस्तों यूएसए में अब इस तरीके के फायर ट्रक्स को बनाकर तैयार किया जा रहा है जिनके चारों ही व्हील्स को ड्राइवर के द्वारा कुछ इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये ट्रक अपने आगे और पीछे के ट्रैफिक को ब्लॉक करने के साथ साथ शार्प से शार्प टर्न पर भी आसानी से टर्न होकर जल्दी से जल्दी उस जगह पर पहुंच सके जहां पर आग लगी हुई है। क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 1, आपके साथ कभी न कभी जरूर ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप किसी टेस्टी चीज को देखते हो तो आपके मुंह में भी पानी आने लगता है, पर आखिर ऐसा होता क्यों है? जब भी हम किसी टेस्टी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है जैसे कि हम उसे खाने वाले हैं और इसीलिए वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिव कर देता है और इसमें से सलाइवा निकलने लगता है। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रिपरेशन है, हमारा जो सलाइवा है वो 20% हमारे खाने को मुंह में ही डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए जब भी हम खाने के बारे में सोचते हैं या फिर किसी टेस्टी खाने को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियो देखते हो, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, इन वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोज हैं।